हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर एक और आप लोग न्यू आर्टिकल हम जूता दिखाने वाले हैं, जो देख सकते हैं फिलहाल ये लंच हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आर्टिकल नेम है कि एयर बल्ब 02 और इसका बॉक्स प्राइस है 2299, जो आपको है कि 1200 के अंदर में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस जूते को हम है कि अनबॉक्स करते हैं आप लोगों को और दिखाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलते हैं इसे अनबॉक्स करते हैं। और यहाँ पर अमेज़ॉन का बिल देख सकते हैं, जो है कि हमें कि 1196 रुपया में इसे हमें बाइंग किया है अमेजॉन से। ठीक है, और लेस का भी क्वालिटी ठीक आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर है कि एशियन का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। और इस जीबीए में है कि यहाँ पर है कि मेस यूज किया हुआ है। अपर बॉडी का इसका है कि फैब्रिक मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर रनिंग देख सकते हैं, यहाँ पर कि एयर बल्ब टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है सोल पर। और यहाँ पर है कि एशियन का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और साइड से भी इसका है कि गदा यूज किया हुआ है बहुत अच्छे क्वालिटी में, ताकि आपको ये जूता है कि बहुत ज़्यादा आरामदायक रहे। और ये इंसोल पर भी आपको है कि मिल जाएगा एशियन मेमोरी फॉर्म। ये जूता है कि 9 नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका रेड कलर का आपको है कि देखने को मिल जाएगा सोल, जो रबर सोल आपको है कि देखने को मिलेगा। और यहाँ पर है कि थर्मोप्लास्टिक, और इस साइड में है कि एयर बल्ब जो देखने को मिलेगा, जो आपको है कि कुशनिंग के लिए बहुत मस्त रहेगा ये एयर बल्ब सूज। और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का यहाँ पर है कि प्लास्टिक यूज किया हुआ है, क्लीन है कि पेस्टिंग किया हुआ है इसका सोल, जो देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं एक सिंगल सूज का वजन 358 ग्राम है, 358, जो थोड़ा इसका है कि वेट बढ़ गया है। रबर सोल है यहाँ पर ज़्यादा है, और एयर बल्ब भी है। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक इसका सोल ज़्यादा हाई क्वालिटी होने के कारण है कि आपको वजन थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी लाइट वेट में आएगा। और ये आपको जूता कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साइड से इसका एक सिंथेटिक मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा, जो देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और एक पट्टी जो पहनने में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए जूते को हम पहन के आपको दिखाते हैं कितना कम्फर्ट है इसे। ओके, तो ये कम्फर्टेबल के मामले में ये जूता बहुत अच्छा है और बहुत ठीक भी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है जूते में। अगर ये जूता आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस जूते को है कि ले सकते हैं हमारे हिसाब से। और इस जूते को है कि आप रनिंग, वॉकिंग, जिम, डांस, फंक्शन और खेलकूद इस सब में भी आप यूज कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर हमें कमी लगा इस जूते में, जो देख सकते हैं इसका जिबिया है ना थोड़ा छोटा दिया हुआ है और अंदर चला गया था, जो हम बाहर अभी खींच के किए हैं। थोड़ा और इसको है कि जिबिया बड़ा देता है ना, तो थोड़ा और बेस्ट लगता है जूता। लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर छोटा जिबिया पसंद हो तो आपको ठीक रहेगा। अगर बड़ा वाला चाहिए तो आप बहुत सारी वीडियो है मेरा देख सकते हैं वहाँ पर। और एशियन को इस पर थोड़ा काम करना चाहिए बड़े जिबिया पर। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।